One of the important issue is discussing the confidentiality matters with youth. Therapist's most important ethical duty while treating minor is to discuss the confidentiality concerns with parents and the children. Like this is very important that both of the parties should be taken on board and it need to be very clearly discussed that what we are going to do in future when a matter of confidence arrives. The therapists should be clear about the law and their own confidentiality policies. Now, there comes the policies which are within the institution, organization, or a hospital where the therapist is working. And at times, there are the certain laws which are being made by the government. So, one should be well aware of all those things which are going to be in use in future. जैसे कुछ इसरा की ऑर्गेनाइजेशंस या हॉस्पिटल्स हैं जो एक फैमिली के दो लोगों को एक टाइम पर अंडरट्रीटमेंट एक थेरेपिस्ट के नहीं देते। सो यू नीड टू सी दैट आइदर इज गोइंग टू क्रिएट एनी काइंड ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी मैटर और नॉट यानी ये डिस्कलोज करना बहुत जरूरी है एक थेरेपिस्ट को कि उसके पास एक फैमिली के कितने मेंबर्स एक टाइम पे आ रहे हैं या वो सिर्फ एक इंडिविजअुअल को ही सिर्फ ट्रीट कर रहा है या उसके और भी कोई फ्रेंड्स या रिलेटिव जो है वो भी उसके पास ट्रीटमेंट सीख करने के लिए आ रहे हैं सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू डिस्कस रिगार्डिंग कॉन्फिडेंशियलिटी इंक्लूड्स द थेरेपिस्ट डिसक्लोजर पॉलिसीज आर वेरी एसेंशियल टू फॉलो लाइक आपको शुरू में ही ये बताना बहुत जरूरी है कि किन पॉलिसीज एंड प्रैक्टिस को हॉस्पिटल ऑर्गेनाइजेशन या उनका इंस्टीट्यूट स्ट्रिक्टली फॉलो करता है सब थे स्टेट और फेडरल लॉज अफोर्ड द चाइल्ड हैज द्योर कॉन्फिडेंशियलिटी राइट एट टाइम्स गवर्नमेंट के जो लॉज हैं वो उतने स्ट्रिक्ट नहीं होते लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन या जो हॉस्पिटल उस थेरेपिस्ट को हायर करती है उनके जो लॉज हैं वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं तो ये बताना इन एडवांस पेरेंट्स को बहुत ज़रूरी है कि ये एक बेंच है जो हम फॉलो कर रहे हैं या मिनिमम हमारी जो प्रैक्टिस है वो यहाँ से स्टार्ट होती है आदर आपको लॉ जो है वो इससे थोड़ा सा लेस स्ट्रेजेंट क्राइटेरिया भी क्यों ना दे रहा हो थेरेपिस्ट वुड डिस्कलोज इंफॉर्मेशन द चाइल्ड शेयर इन द थेरेपी ना वो सरकमस्ट्रांस क्या होंगे जिस सिनारियों के अंदर थेरेपिस्ट इन्फॉर्मेशन को पेरेंट्स के साथ शेयर करेगा कि पहले से जॉट डाउन करने जरूरी हैं क्योंकि बच्चा बहुत सी कॉन्फिडेंशल बातें थेरेपी में शेयर कर सकता है सो नॉट इन ऑल सिचुएशन दोन वर्कमस्ट्रांसिस इट नीड टू बी क्लियरली स्पेल आउट

द पेरेंट्स में भी एबल टू अंडरस्टैंड कि उनके बच्चे के पास भी प्रिवेसी के राइट्स हैं या वो उसकी अपनी एक पर्सनल स्पेस है जिसमें कुछ बातें उसके लिए ये ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो पेरेंट्स को बताए इट सीम्स टू बी वेरी इन आवर सेटिंग बिकॉज हियर पेरेंट्स वॉन्टेड टू नो एवरी थिंग वट एवर द चाइल्ड इज बी डूइंग इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी अनएथिकल या इनलीगल प्रैक्टिसेस के बारे में भी बच्चे को बच्चे की पेरेंट्स को पता ना हो लेकिन उसकी एक पर्सनल स्पेस है जिसमें अगर उसकी कोई पर्सनल बात है

Others और वो फर्दर आपको ये बताता है कि ट्रीटमेंट की इंफॉर्मेशन कब कहाँ और किस सिचुएशन में दूसरे लोगों के साथ शेयर की जा सकती है मेनी चिल्ड्रेन डो नॉट डिस्कस चैलेंजिंग टॉपिक्स विदर पेरेंट्स बिकॉज दे फर जजमेंट और पनिशमेंट नाउ दिस इज समथिंग वेरी क्रिटिकल टू अंडरस्टैंड यूथ में बहुत सारे इशूज बच्चे फेस करते हैं रिलेटेड टू प्यूबिटी रिलेटेड टू चेंजेस इन देयर बॉडी related to changes in their identity their personal mindset their belongings their likes their dislikes jo wo apne parents ko isliye nahi batate ki unke unko ye khauf hota hai ki parents unki baat ko pasand nahi karenge ya unko saza denge when parents understand the importance of an open clear and communication with their children they may be less likely to overreact जैसे जैसे आप अपने बच्चों को एक open space देते हैं उनकी बात को एक healthy atmosphere में समझने की कोशिश करते हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा आपका जो ओवर रिएक्ट करने का फिनोमिना है वो कम होता जाता है एज अ पेरेंट पेरेंट का जो रिएक्शन है वो डायल्यूट हो जाता है वो एक एक नॉर्मल रिएक्शन रह जाता है कोई कोई ओवर रिएक्शन जो है वो नहीं रहता कि एक बच्चे की कोई बात सुनने के बाद वो बुरी तरह से गुस्से में आ जाए या वो रिएक्ट करें दैन द क्लियर डिस्कशन ऑफ अ मैटर दैट आर इम्पोर्टेंट फॉर चिल्ड्रन और कॉजिंग एनी काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस फॉर देम मे हेल्प द पेरेंट एंड चाइल्ड रिलेशनशिप शो द माई पर्सनल सजेशन आई थिंक कि अगर पेरेंट एंड चाइल्ड का रिलेशनशिप ओपन हो हेल्दी हो क्लियर हो विद प्रॉपर बाउंड्रीज हो और उसके अंदर कोई डिसऑनेस्टी ना हो तो वहाँ पर शायद थेरेपिस की कभी भी ज़रूरत पेश नहीं आती अनस कोई बहुत ज़्यादा सीरियस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम ना हो क्योंकि जब पेरेंट और चाइल्ड एक अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप शेयर करते हैं तो वहाँ पर थेरेप्यूटिक नीड्स जो हैं वो ऑलरेडी उनकी तरफ से ही फुलफ़िल हो रही होती हैं और एक बच्चा एक हेल्दी और एक नरिशमेंट के माहौल के अंदर बड़ा होता है और वो कम से कम जो है उसकी कोपिंग में इशूज आते हैं और वो स्ट्रेसिस को अच्छे तरीके से डील कर सकता है बट दीज आर सम ऑफ द समूज विच कैन बी मेनली जॉट डाउन विद रेफरेंस टू द चाइल्ड इन टर्म्स ऑफ टॉकिंग अबाउट देयर कॉन्फिडेंशियलिटी